हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि आप दिख रहे हैं, हमारा चैप्टर जेपीएससी पीटी पेपर टू का जारी है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। इस संदर्भ में मैं आपको एक 40-45 मिनट का लेक्चर दिया था। तत्पश्चात मैंने नोट्स सिखाना प्रारंभ किया था। इस कड़ी में मैंने बताया था कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण ढाका से हुआ था, जिसकी शुरुआत जे बार्थोलोमियो को माना जाता है, जिसने ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा हजारीबाग, एक शाखा रांची में स्थापित किया था। पश्चात 1912 में उन्होंने रांची में ही क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य आदिवासी ईसाई लोगों की सहायता करना था। यद्यपि बाद में उसका नाम 1915 में झारखंड 29 समाज कर दिया गया। इसको बनाने में पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, जुए लकड़ा, ठेबले इत्यादि लोगों का बहुत बड़ा रोल था, और यही झारखंड 29 समाज ने पहली बार साइमन कमीशन के समक्ष अलग झारखंड राज्य की मांग रखी। यद्यपि साइमन कमीशन ने स्वीकार तो कर लिया था, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे स्वीकार कर दिया। साथ ही साथ इस दौरान 1930 में, 33 में, 35 में विभिन्न संस्थाओं का जन्म हुआ, और तत्पश्चात किसान सभा की स्थापना ठेबले उरांव ने की थी, उसका विलय 35 में झारखंड 29 समाज में ही कर दिया गया। बाद में 1938 में झारखंड के विभिन्न नेताओं के द्वारा संथाल, परगना, आदिवासी सभा की स्थापना रांची के हिंद पीढ़ी में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष उस आदिवासी महासभा के, आदिवासी सभा के थियोडोर सुरिन थे। बाद में 1939 में रांची के हरमू नदी के किनारे सभागार भवन में 1939 में आदिवासी सभा का द्वितीय बैठक हुई, और नाम अब हो गया आदिवासी महासभा, जिसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए वहां पे जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा ने जब कमान संभाली तो ये झारखंड आंदोलन एकदम एक तेजी की ओर अग्रसर हुआ। यद्यपि बाद में इनके द्वारा 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई। झारखंड पार्टी देखा जाए तो झारखंड पार्टी की स्थापना उन्होंने झारखंड 29 समाज के बदले की थी, मतलब उसके स्थान पर उन्होंने इसकी स्थापना कर दी, और जिसका छाप था मुर्गा छाप। और इस पार्टी के द्वारा 1952 में 33 सीटें जीतकर बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल होने का गौरव प्राप्त किया, जिसके पश्चात सुशील कुमार बागे को बिहार विधानसभा का मुख्य विपक्षी दल का नेता चुना गया। इसी कड़ी में 1957-1962 में 57 में 32, 62 में 20 सीटें जीतने में कामयाबी हुआ। परंतु इस कड़ी में एक ठहराव का दौर तब आया जब उन्होंने 1963 में
तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की पहल पर इन्होंने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में करवा दिया, जिसमें इनकी पत्नी जहां आरा का भी बहुत बड़ा योगदान था। इसी दौरान उन्होंने तो छात्रगण इस झारखंड पार्टी के विलय जब उन्होंने कांग्रेस में कर दिया तो इसी दौरान उन्हें सामुदायिक ग्राम विकास मंत्री भी बनाया गया, यद्यपि उनका कार्यकाल बहुत ही कम समय का रहा। और तब 1963 से लेकर 1973 तक झारखंड आंदोलन का एक ठहराव का दौर था, एक बिखराव का दौर था, और यह आंदोलन एकदम शिथिल पड़ गई। यद्यपि इस शिथिलता के 10 साल के दौरान भी छोटे मोटे आंदोलन होते रहे या स्थापना पार्टियों की होती रही, इसमें शामिल है 1965 में ललित कुजूर के द्वारा स्थापित बिरसा सेवा दल, यह झारखंड आंदोलन संबंधित एक उग्र विचारों वाला राजनीतिक संगठन था, जिन्होंने बहुत उग्र रूप से झारखंड आंदोलन को अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रगण, इस ठहराव के दौर के पश्चात 1973 में 10 सालों के बाद शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो और सोनेत संथाल समाज के शिबू सोरेन ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और तब से आंदोलन पुनः उग्र रूप लेना प्रारंभ किया। छात्रगण, यहां तक मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया था, उसी नोट्स की नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना प्रारंभ कीजिए और लिखिए 4 फरवरी 1973 नेक्स्ट पॉइंट है, उसी नोट्स में हम नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहे हैं। 4 फरवरी 1973 को शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो एवं सुनोत संथाल समाज के शिबू सोरेन एवं सुनोत संथाल समाज के शिबू सोरेन ने मिलकर JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की जिसका चिन्ह साइन तीर धनुष है। यद्यपि ए के रॉय का भी JMM के स्थापना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। उसी में इसके प्रथम महासचिव शिबू सोरेन थे एवं प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को बनाया गया। इसके प्रथम महासचिव शिबू सोरेन थे एवं प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने ने
चार लक्ष्य निर्धारित किए थे, नंबर वन महाजनी या महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष, पहला है महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, सेकंड है अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष। नेक्स्ट नंबर थर्ड है विस्थापितों के लिए पुनर्वास एवं विस्थापितों के लिए पुनर्वास एवं कल कारखानों में स्थानीय लोगों की बहाली के लिए संघर्ष और चौथा लिखिए वन कानून के विरोध में जंगल कटाई का आंदोलन, नेक्स्ट पॉइंट झारखंड राज निर्माण आंदोलन से संबंधित ईस्वी में कांग्रेस के विधायक देवेंद्रनाथ चांपिया, 1985 ईस्वी में कांग्रेस के विधायक देवेंद्रनाथ चांपिया के नेतृत्व में बावन विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल, झारखंड क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने हेतु एक मांग पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपा। नेक्स्ट पॉइंट 22 जून 1986 को झारखंड के सबसे बड़े झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन ऐसे लिखिए 22 जून 1986 को झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संदर्भ में झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में
जमशेदपुर में आसाम के ACU आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आसाम के ASU के तर्ज पर आसाम के ASU के तर्ज पर आजसु ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना सूद सिंह बेसरा के नेतृत्व में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में स्थापित की गई जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की जबकि महासचिव सूर्य सिंह बेसरा को बनाया गया और संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून का नारा दिया था नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड पृथक राज आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए झारखंड पृथक राज आंदोलन को मजबूती प्रदान करने हेतु 1987 ईस्वी में झारखंड के छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल एक मंच पर आ गए तथा जिसका नाम झारखंड समन्वय समिति रखा गया। और 1987 में रामगढ़ में झारखंड समन्वय समिति का एक बैठक हुआ और 1987 में झारखंड समन्वय समिति का एक सम्मेलन हुआ जिसमें 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसके संयोजक डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद
केसरी, जिसके संयोजक डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को बनाया गया। बनाया गया यद्यपि इस समन्वय समिति में यद्यपि इस समन्वय समिति में तिरपन 53 संगठन शामिल थे नेक्स्ट पॉइंट, 1987 में ही समन्वय समिति के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह को अलग राज्य बनाने का ज्ञापन दिया। जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य की मांग रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट, राज निर्माण आंदोलन की अगली कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1988 ईस्वी में 18 जिलों को अलग कर वनांचल राज्य की मांग प्रस्तुत की थी नेक्स्ट पॉइंट, 23 अगस्त 1989 ईस्वी को केंद्र सरकार ने 24 सदस्यों से युक्त झारखंड विषयक समिति 23 अगस्त 1989 ईस्वी को केंद्र सरकार ने 24 सदस्यों से युक्त झारखंड विषयक समिति का गठन किया। जिनके प्रमुख वी एस लाली को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 31
1991 को 31 अगस्त 1991 ईस्वी को आजसू के एक सहयोगी दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी झारखंड पीपुल्स पार्टी का भी गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सात अगस्त 1995 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की अधिसूचना जारी की गई। जिसमें दक्षिण बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया था। जिसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन एवं उपाध्यक्ष सूरज मंडल बनाए गए इस परिषद में एक सौ बासठ सदस्य और 18 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था। उसी में अधिसूचना के पश्चात 9 अगस्त 1995 को यहां जारी हुआ अधिसूचना यहां लागू हो गया। 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जिसका एक अन्य नाम जैक है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जिसका एक और नाम जैक है वही झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक है की स्थापना कर दी गई नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद अर्थात जैक झारखंड नेक्स्ट पॉइंट में है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अधीन 40 विषय 40 सब्जेक्ट 40
विभागों को सौंपा गया, 40 विभागों को सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, खनन, अनुसूचित जनजाति के विकास संबंधित, विभाग शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, जैक, देखिए शॉर्ट में जैक, का गठन तो कर दिया गया, परंतु कभी भी इसका विधिवत चुनाव नहीं हुआ। जैक का गठन तो कर दिया गया परंतु कभी भी इसका विधिवत चुनाव नहीं हुआ। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को, मात्र मनोनयन किया गया, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार विधानसभा द्वारा पहली बार, बाईस जुलाई उन्नीस सौ सन्तानवे को अलग झारखंड राज्य के गठन का संकल्प पारित किया गया। तो छात्रगण, अभी तक आपने देखा कि 73 के बाद ये आंदोलन पुनः जोर पकड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना से, जिसके चार लक्ष्य थे, महाजनी प्रथा, जंगल कानून, विस्थापित, जंगल कटाई, संघर्ष राज्य के लिए। इसी कड़ी में यह आंदोलन और तेज पकड़ा जब झारखंड के औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में सूर सिंह बेसरा ने आसाम के आसू की तर्ज पर आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया, जिसका नारा था खून के बदले खून। बाद में इसी के सहयोगी ने झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना की। इसकी उग्रता को देखते हुए बाद में जैक झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद की स्थापना की गई। तो देखा जाए तो झारखंड राज्य के निर्माण की एक महत्वपूर्ण घटना थी जैक की स्थापना से, यद्यपि इसका इंप्लीमेंट्स जिसके लिए बनाया गया था वो उस रूप में ये कार्य नहीं किया, परंतु ये बहुत बड़ी बात थी कि 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना कर दी गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया और उपाध्यक्ष सूर्य मंडल को बनाया गया। छात्रगण, हमने ये भी देखा कि इस आंदोलन को और तेज गति देने के लिए 1987 में विभिन्न राजनीतिक दल एक मंच पर आ गए और झारखंड समन्वय समिति नामक संगठन की स्थापना किया
और उन्होंने तत्कालीन ज्ञानी जेल सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा इस झारखंड राज्य अलग निर्माण के संदर्भ में। छात्रगण, हम नेक्स्ट आएंगे कि 1998 से कैसे ये गति और तेज पकड़ा और जिसका परिणाम था 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग राज्य का निर्माण। छात्रगण, हम इसी कड़ी में फिर पुनः हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।